जादुई लहंगे का चमत्कारी कुआं। बहुत समय पहले की बात है, चंदनपुर नाम के गांव में एक चमत्कारी कुआं हुआ करता था। चमत्कारी कुएं के बारे में गांव वाले अच्छे से जानते थे। जो कोई भी उस चमत्कारी कुएं का पानी पीता था, चमत्कारी कुआं उसकी सारी परेशानी दूर कर दिया करता था। गांव के सभी लोग उस कुएं की पूजा भी किया करते थे। उसी गांव में स्वीटी नाम की एक लड़की भी रहती थी। स्वीटी अपने माता पिता के साथ उसी गांव की एक झोपड़ी में रहती थी। स्वीटी का परिवार बहुत गरीब था। स्वीटी चमत्कारी कुएं की बहुत देखभाल किया करती थी। वो हमेशा चमत्कारी कुएं के आसपास की सफाई करती और घंटों उस कुएं से बातें किया करती थी। इसी तरह एक दिन, आओ स्वीटी, क्या बात है, आज तुम बड़ी उदास लग रही हो। हाँ चमत्कारी कुआं, आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि आज मैंने अपने मम्मी पापा की बात सुनी, वो मेरी शादी करवाने की बात कर रहे हैं। अरे ये तो अच्छी बात हुई ना, तुम्हारी शादी होगी, इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। अगर मेरी शादी हो जाएगी तो तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? गांव वाले तो सिर्फ तुम्हारे पास तभी आते हैं जब उन्हें किसी चीज की जरूरत होती है या फिर उन्हें कोई दुख होता है। कोई बात नहीं सूटी, मैं लोगों की मदद निस्वार्थ भावना से करता हूँ, मुझे उसके बदले किसी से कुछ नहीं चाहिए। तुम कितने अच्छे हो, मुझे तुमसे बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती है। पता नहीं शादी के बाद मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगी। तुम समय समय पर मुझसे मिलने तो आओगी ना? हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं तुमसे मिलने जरूर आऊँगी। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। मुझे माँ ने बाजार से सामान लेने भेजा था और मैं तुम्हारे पास आकर तुमसे बातें करने लगी। फिर तो तुम जल्दी चली जाओ, वरना तुम्हारी माँ तुम्हारी धुलाई कर देगी। स्वीटी हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। इसी तरह कुछ वक्त बीत जाता है और स्वीटी का रिश्ता विजय नाम के एक लड़के से तय हो जाता है। विजय स्वीटी से दुगनी उम्र का लड़का था, लेकिन वो स्वीटी के माता पिता से कोई दहेज नहीं ले रहा था, इसलिए स्वीटी ने बिना कुछ कहे उससे शादी कर ली। विदाई के समय स्वीटी अपनी माँ से बोली, माँ मैं अभी आ रही हूँ, मुझे अंतिम बार हमारे चमत्कारी कुएं से मिलना है। ठीक है चली जा, लेकिन जरा जल्दी आना, लड़के वाले को पता नहीं चलना चाहिए। स्वीटी घर के पीछे के रास्ते से भागकर चमत्कारी कुएं के पास जाती है और कहती है, चमत्कारी कुआं मैं तुम्हें अंतिम बार बाय बोलने आई हूँ, पता नहीं आज के बाद हमारी मुलाकात कब होगी, मैं कोशिश करूँगी कि हम जल्द ही मिले। हाँ स्वीटी मुझसे मिलने जल्दी आना, मैं तुम्हें याद करूँगा। अब मुझे जाना होगा, मैं जल्दीबाजी में हूँ। ऐसा कहकर स्वीटी भागकर अपने घर आ जाती है और अपने पति विजय के साथ अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल में पहला दिन ही स्वीटी का बहुत बुरा जाता है। जी आप मेरे लिए कोई तोहफा नहीं लाए हैं, मैंने सुना है पति पत्नी को मुंह दिखाई पर तोहफा देता है। स्वीटी की ये बात सुनकर उसका पति उसको एक जोरदार तमाचा मारता है और फिर कहता है, ये लो तुम्हारा तोहफा, तोहफे का ज्यादा शौक है ना तुम्हें, ऐसे तोहफे मैं तुम्हें आए दिन देता रहूँगा। ऐसा कहकर विजय वहाँ से चला जाता है और स्वीटी की आँखों से आंसू छलक जाते हैं। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि विजय ऐसा इंसान है। दरअसल विजय अधेड़ उम्र का एक बहुत बेकार इंसान था। वो कम उम्र की लड़कियों के साथ शादी करके उसका गलत फायदा उठाकर उसे बेच दिया करता था, यही उसका धंधा था और उसने स्वीटी से भी इसीलिए शादी की थी। स्वीटी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो अपने ही ससुराल में अपने ही पति से डर डर कर रहने लगी। विजय स्वीटी को घर से बाहर नहीं निकलने देता था और ना ही उसे कभी मायके जाने देता था। एक दिन स्वीटी बहुत हिम्मत करके विजय से कहती है, सुनिए मुझे आपसे कुछ कहना था। क्या हुआ बोल। मम्मी पापा से मिले हुए बहुत समय हो गया है और मम्मी पापा तो ज्यादा दूर रहते भी नहीं है, हमारे बगल वाले गांव में ही उनका घर है। अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे तो क्या मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाऊं? नहीं तो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। लेकिन क्यों, शादी को 3 महीने हो गए हैं, अभी तक आप मुझे एक भी बार मायके लेकर नहीं गए और ना ही मम्मी पापा से बात कराई है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मम्मी पापा के पास जाना है। बहुत जुबान चलने लगी है ना तेरी, तुझे मैं अभी बताता हूँ। ऐसा कहकर विजय स्वीटी की खूब पिटाई करता है, उसको किसी दरिंदे की तरह बेल्ट से पीटता है
स्वीटी आस पड़ोस के लोगों से मदद की गुहार लगाती रहती है, लेकिन कोई उसकी मदद करने नहीं आता। भरपूर पिटाई करने के बाद विजय स्वीटी को एक कमरे में बंद कर देता है। 2 दिनों तक खाना नहीं मिलेगा ना, तो अपने आप घर जाने की जिद छोड़ देगी। ऐसा कहकर विजय दरवाजा बंद कर देता है। स्वीटी भूखी प्यासी उस कमरे में दर्द से बेचैन रहती है। पिछले जन्म में मैंने कौन से पाप किए थे जो मुझे उसकी सजा मिल रही है? भगवान, अब और जुल्म मत होने दो मुझ पर। हे जादुई कुएं, काश तुम मेरी आवाज सुन सकते। स्वीटी अब हार मान चुकी थी। वो कमरे में बैठकर चमत्कारी कुएं और अपने परिवार को याद कर ही रही थी कि तभी उसे बाहर से विजय और एक अनजान आदमी की आवाज सुनाई देती है। बहुत देर लगा दी मेहता साहब आपने इस बार। अरे विजय, डायरेक्ट थाईलैंड से आ रहा हूँ तुम्हारे लिए। अब छुट्टियाँ मनाने गया था तो थोड़ा समय तो लग ही जाता है। ठीक है, अब काम की बात कीजिए। मेरे पास एक लड़की है, उम्र उसकी ज्यादा नहीं है, 18-19 साल की होगी। बताइए मुझे उसके कितने पैसे मिल जाएंगे? 18-19 साल की लड़की है, फिर तो 15-20 लाख तक तो बात बन जाएगी। लेकिन तुम्हें इतनी जवान जवान लड़कियाँ दे कौन देता है? तुम्हारी उम्र हो चली है, फिर भी जवान लड़कियों से शादी कर लेते हो। इन सब में आप मत पड़िए मेहता जी, जितना कह रहा हूँ उतना कीजिए। 20 लाख में फाइनल कर दीजिए, मैं लड़की को आज रात ही आपके हवाले कर दूंगा। ठीक है, वैसे तो 16-17 लाख बहुत थे, लेकिन तुम अपने आदमी हो तो 20 लाख रुपए में डील करवा दूंगा। विजय और मेहता साहब की बात स्वीटी बहुत ध्यान से सुन रही थी। वो समझ गई कि विजय उसके बारे में ही बात कर रहा है। हे भगवान, ये आदमी तो मेरा सौदा कर रहा है, और उसने मुझसे पहले भी कई लड़कियों को बेच दिया है। अब मैं क्या करूं? मुझे कैसे भी करके यहाँ से भागना होगा। स्वीटी ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी नज़र खिड़की पर जाती है। वो खिड़की को खोलकर खिड़की से कूद जाती है, लेकिन उसके कूदने की आवाज विजय और मेहता के कान में पड़ जाती है। वो फौरन समझ जाते हैं कि स्वीटी ने भागने की कोशिश की है, और वो स्वीटी का पीछा करने लगते हैं। बेचारी स्वीटी नंगे पांव भागे जा रही थी। भागते भागते वो एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। थोड़ी देर में वहाँ पर विजय और मेहता आ जाता है। अरे यार, इतना महंगा सौदा हाथ से निकल गया। गलती भी तो तुम्हारी है, हाथ पैर बांध के रखना चाहिए था ना। अरे बहुत सीधी सादी लड़की थी, मुझे लगा नहीं भागेगी। मुझे किसी भी हाल में उसे ढूंढना होगा। 20 लाख मैं अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता। मुझे लगता है उस तरफ गई है, हमें उस तरफ चलना चाहिए। विजय और मेहता गलत दिशा में चले जाते हैं। शाम होने पर स्वीटी पेड़ के पीछे से निकलती है और भागते हुए अपने गांव पहुंच जाती है, और सबसे पहले चमत्कारी कुएं के पास जाती है। दोस्त, मेरी मदद करो दोस्त, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। वो लोग मुझे बेचना चाहते हैं, मुझे बचा लो। क्या हुआ स्वीटी, तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? और तुम इतने दिनों से कहाँ थी? पिछले कितने महीनों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। उसके बाद रोते हुए स्वीटी चमत्कारी कुएं को सारी बात बताती है। सारी बात जानकर कुएं को बहुत गुस्सा आता है, और वो कहता है, मुझे आज खुद पे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं हमेशा लोगों की मदद करता रहा, लेकिन तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। लेकिन असल में जब तुम्हें मेरी जरूरत थी, तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए वहाँ मौजूद ही नहीं हो पाया। मेरे पास जादुई शक्तियाँ तो है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। लेकिन अब नहीं, मैं अपनी सारी जादुई शक्तियों को मिलाकर एक जादुई लहंगा बनाऊंगा, और वो लहंगा मैं तुम्हें दूंगा। उसके बाद भले ही मेरे पास जादू शक्तियाँ रहे या ना रहे। नहीं दोस्त, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। मेरे लिए तुम अपनी जादुई शक्तियों का त्याग नहीं कर सकते हो। तुम्हें मेरी कसम है स्वीटी। इसके आगे स्वीटी कुछ नहीं बोल पाती। उसके बाद जादुई कुआं अपनी सारी शक्तियों को मिलाकर एक जादुई लहंगा बनाता है, और वो लहंगा स्वीटी को सौंप देता है। क्योंकि सारी शक्तियां जादुई लहंगे में आ गई थी, इसलिए अब जादुई कुआं बोल भी नहीं सकता था। चमत्कारी कुएं का जादुई लहंगा पाकर स्वीटी खुश तो थी, लेकिन कहीं ना कहीं अपने दोस्त के खोने का उसे बहुत गम था। वो उदास मन से जादुई लहंगा लेकर घर आ जाती है और अपने माता पिता को सारी बात बताती है। थोड़ी ही देर में उसके घर विजय और मेहता पहुंच जाते हैं। मुझे पता था तू भागकर कहीं नहीं जाएगी, इसलिए मैं सीधा यहाँ आ गया। चल मेरे साथ। नहीं माँ, पिताजी मुझे बचा लीजिए, ये आदमी नहीं दरिंदा है। विजय जबरदस्ती स्वीटी का हाथ पकड़कर उसे खींचने लगता है, लेकिन तभी जादुई लहंगा आसमान में उड़ता है और विजय और मेहता को हवा में उल्टा लटका देता है।
वो दोनों घबरा कर रोने लगते हैं। तभी स्वीटी के दरवाजे पर पुलिस की गाड़ी का सायरन बजता है और पुलिस घर के अंदर आकर स्वीटी का बयान लेती है। स्वीटी अपने शरीर के घाव पुलिस को दिखाती है और सारी सच्चाई बताती है। उसके बाद पुलिस विजय और मेहता को उठाकर जेल ले जाते हैं और उन्हें उम्र कैद की सजा हो जाती है। पुलिस के जाने के बाद लहंगे में से चमत्कारी कुएं की आवाज आती है। स्वीटी, जब तक ये जादुई लहंगा तुम्हारे साथ है तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम हमेशा सुरक्षित रहोगी और खुश रहोगी, और ये लहंगा तुम्हें तुम्हारी जरूरत का सारा सामान भी देगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए दोस्त, तुम बस वापस आ जाओ, मुझे तुम चाहिए। अब ये संभव नहीं है स्वीटी, मैं अंतिम बार तुमसे यही कहने आया हूँ। तुम्हारे जैसी दोस्त शायद मुझे कभी नहीं मिलती। मैं जा रहा हूँ, इस लहंगे को संभाल कर रखना। उसके बाद लहंगा अपने आप जमीन पर गिर जाता है। स्वीटी लहंगे को गले से लगाकर रोने लगती है, लेकिन फिर अपने दोस्त की आखिरी निशानी समझकर उस लहंगे को संभाल कर रख देती है। जादुई लहंगे की वजह से अब स्वीटी को कोई तकलीफ नहीं होती थी और वो खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रही थी।